कंधार मेरे मेरे जीवन का सबसे सबसे मुश्किल वक्त था या इनफैक्ट वो एक ऐसा बुरा सपना था जो जो आज भी कभी मुझे दिन में आकर डरा जाता है। सत्र पंप फट रहे थे, हर तरफ गोलियां चल रही थी, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और हमें तो उनकी भाषा भी नहीं आती थी। बेबसी में, दर्द में लोग हर तरफ भाग रहे थे। बस ऐसे एक शहर को तहस नहस करके हम वहां से गुजर रहे थे। और मैंने थोड़ी दूर पर एक 4 साल की छोटी बच्ची को देखा। उसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखें, उसका चेहरा जो देखे तो बस देखता रह जाए। बमबारी से किए गए खंडर पे बेखौफ खड़ी थी या सहाय, उसे पता ही नहीं था कि रोना है कि भाग जाना है, चीखना है कि चिल्लाना है। बस नन्ही सी बच्ची के पास गया और घुटने टेक कर मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा कि हाय, मैं वरुण हूं, यहां सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो हुआ मैं मरते दम तक भुला नहीं पाऊंगा। उसकी आंख से एक अकेला आंसू टपका जो उसे पूरे गाल को भिगो दिया। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ मेरी छाती पर डाल दिए। मैं महसूस कर सकता था कि वो अपने छोटे छोटे हाथों से जोर लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त वो जो भी महसूस कर रही थी वो एहसास मेरे सीने से लिपट गया। उसकी मदद नहीं कर सकता था लेकिन उसके दर्द को साफ साफ समझ सकता था। एक 4 साल की बच्चे का पूरा जीवन, पूरी जिंदगी सब बर्बाद हो गया। इस बर्बादी का कारण कोई और नहीं, वो बच्ची जब मेरे गले से लिपट कर रोई तो मैंने जमीन की तरफ देखा और मुझे वहां जमीन पर मलबे में एक हाथ नजर आया और मैं समझ गया ये हाथ उसकी मां का था और इसी वजह से वो उस जगह को छोड़ नहीं रही थी, वहां से जा नहीं रही थी। No, I'm okay. I'm fine. I'm okay. One more, please. एक सोल्जर के तौर पर हम बहुत मजबूत हैं, पर जो अंदर से इंसान है उसका क्या करें? उसको कहाँ ले जाएं? उस दिन से लेकर आज तक
मैं एक रात ढंग से सोया नहीं। कभी मुझे वो बच्ची दिखाई देती है, कभी वो हाथ दिखाई देता है और मुझसे पूछ रहे हो जैसे क्यों किया मैंने ये सब। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। बेबसी बर्बरता का वो मंजर देखकर मैं अंदर तक बीमार हो गया। हम जब युद्ध पर निकलते हैं तो हमारा मकसद होता है कि मानवता के लिए लड़ना है, इस दुनिया की भलाई के लिए लड़ना है। लेकिन हमारे हाथों में जब एक छोटा सा डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा आ जाता है ना और हमसे लिपट जाता है, और जब हम उसके हिसाब से उसके नज़रिए से इस दुनिया को देखते हैं तो ये देश दुनिया दीन सब बेमाना नजर आता है। कब से लिए जी रहा हूं मैं इन सबको अपने अंदर। एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में उठता है, बल्कि हर चीज में मुझे एक सवाल दिखता है। मेरा दिमाग सवालों के भंवर से घिर गया है। कभी कभी तो लगता है कि मैं पागल हो चुका हूं। पता नहीं जो जो ये हम सब करते हैं वो सही है या गलत है। कभी कभी तो लगता है कि भगवान भी यही चाहता है, और फिर लगता है कि भगवान है कि नहीं। सॉरी यार, मैं भी आता हूँ वॉशरूम से। सॉरी।